और इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं तो उसका रिजल्ट बाद में ही आएगा। और आप लोगों के साथ मेरा जो लेक्चर है वो आज इंटरनेशनल रिलेशंस का है। और इंटरनेशनल रिलेशंस जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। इसके दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस का हम स्कोरिंग ट्रेंड देख लेंगे। इसके लिए कौन से बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं, वो चीज़ें देखेंगे। सिलेबस किस तरह का होता है, किन किन सब्जेक्ट्स में वो हेल्पफुल हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब अगर आप सेकेंड लास्ट देखें इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट यानी कि पहले कुछ पढ़ने की जरूरत है या नहीं, तो उसमें है कि नहीं। अगर आप लोग लेक्चर्स अच्छे से ले लेते हैं और जो सोर्सेज आप लोगों को बताए जाते हैं वो अगर आप अच्छे से सारा कुछ फॉलो करते हैं, तो इनशाला आपको पहले से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं तो भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है ना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हिट क्यों होता है, क्या चीजें होती हैं, किस तरह से आप स्कोर ज्यादा ले सकते हैं, ये सारी चीजें जो हम इंशाल्लाह ड्यूरिंग क्लास हम डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो आपका जो यूएस हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें भी आपने वर्ल्ड वॉर वन टू कोल्ड वॉर ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपने पढ़नी है, तो वो टॉपिक आपको फिर सेपरेटली तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर हो जाते हैं ना दोनों सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स में आपके तीन चार टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड, न्यूक्लियर वॉर्स, जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी चीजें आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़नी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो काफी ज्यादा चीजें ओवरलैप कर रही है। इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी है, कश्मीर इशू है, पैलेस्टीन इशू है, जो इसके अलावा जो यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है वो करंट अफेयर्स में भी आपने पढ़ना है, उसको ही इंटरनेशनल रिलेशंस में भी करना है। ठीक है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाती हैं, उसको सेपरेटली तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत बड़ा फायदा है। उसके अलावा ऐसे में भी आप लोगों ने अगर 2022 का पेपर देखा हो, 2022 छोड़े आप उससे पिछले जितने भी पेपर्स देखेंगे सब में ना डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। ऐसे की कुछ नेशनल टॉपिक्स होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, जैसे वेमेन से रिलेटेड या इस तरह से करके ना कुछ चीजें आती होती हैं ऐसे के अंदर, और वो चीजें आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ी होती हैं। स्पेशली अगर आपको इंटरनेशनल लेवल का कोई टॉपिक आ रहा है, जैसे यूक्रेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है आपको, तो यूक्रेन वॉर आपने ऐसे में भी तैयार किया होगा, लेकिन ऐसे छोड़े उससे पहले आपने करंट अफेयर में भी किया होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी किया होगा, तो वो काफी ज्यादा मटेरियल आपको ऐसे में फिर हेल्पफुल करेगा। ठीक है, जैसे ये जो टॉपिक था ये 2022 में आया था, अब ये वाला प्योर टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का है। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा मटेरियल तो आपको वहीं से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें सोर्सेस की, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, आइदर इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस और इट्स ऐसे या कोई भी है, आपने उसके लिए बजाय बुक्स पढ़ने के या न्यूज़पेपर पढ़ ली या डिफरेंट सोर्सेज देख लिए, सबसे बेस्ट चीज होती है वो इंटरनेट होता है। इंटरनेट पर हर चीज मौजूद है। और इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों को लेक्चर्स दूंगी उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इंटरनेट किस तरह से यूज करना है, इंटरनेट पर हर चीज नहीं करनी होती और कौन सी चीजें करनी है वो भी आपको बता दूंगी। इसके अलावा जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस तैयार किया था, मैंने किया था डिफरेंट बुक्स से, रिसर्च पेपर से और इंटरनेट से। ठीक है, अगर बुक्स जो आपके सामने मैंने लिखी हैं अगर वो आप लोगों को दिख रही हैं, तो उसमें सबसे पहली है इंटरनेशनल रिलेशंस बाय इकराम रब्बानी। आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंप्लीफाई बुक है, बहुत सिंपल सी इसमें वर्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली है, ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छी है। तीसरी इंटरनेशनल लेवल की बुक है सॉरी, और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चौथी बुक मैंने ज्यादा फॉलो की थी द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखें और इसका इस बुक का कंटेंट देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। तो ये बुक वैसे ऑनलाइन मेरे पास मतलब सॉफ्ट फॉर्म में है, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम बात करें CSS या PMS की, तो दोनों में एक चीज़ का ना बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, वो ये कि अगर आप ये सोचें ना कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ लेंगे या कोई भी सब्जेक्ट है, CSS के 12 सब्जेक्ट्स हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं और हमारे पास अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता।
अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं और आपने उसको पढ़ लिया है और क्रैम कर लिया आपने चीजें, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए जरूरी ये है कि आप इस चीज को अपने जहन में बिठा लें कि CSS हो या PMS हो, दोनों के लिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जो लिखना है वो आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आप लिखेंगे ना, पेपर में आपने लिख कर आना है। 1 मिनट, पता नहीं क्यों मुझे यूं लग रहा है जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने खुलवाइए। ओके फाइन, हाँ तो हम बात कर रहे थे लिखने की। जो इस पूरे सेशन में जो भी आप लोगों के मेरे साथ सेशन चलेगा उसमें एक चीज होगी और वो ये है कि आप लोगों के लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ थ्योरीज होती हैं जो आप लोगों ने अप्लाई करनी होती हैं। जो मैंने आप लोगों की स्लाइड्स बनाई है ना, वो स्लाइड्स बहुत डिटेल में है, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल बुक्स भी हैं, वहां से भी डाटा लिया हुआ है, इंटरनेट से भी लिया हुआ है, रिसर्च पेपर से भी लिया हुआ है, जो कुछ मैंने अपने लिए तैयार किया था वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह करवाना है, ठीक है। और वो सारी चीजें इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी, जिस तरह से मैंने नंबर लिया उस तरह से आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से नंबर लेने हैं। मसला ये होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको चीजें आती होती हैं लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, क्वेश्चंस पूरे नहीं होते, क्वेश्चंस छोड़ दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, आप वो 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर 14 नंबर ले सकते थे तो 14 नंबर आपके नहीं आए, और वो 14 नंबर का ये मतलब है कि आप पोजीशन में बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं, ठीक है। या ये कह लूँ इस तरह से कह लेते हैं कि जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपके इंटरव्यू की तैयारी होती है, उसके बाद जब आप देखें कि जब फाइनल DMCs आती हैं तो ये पता चलता है कि एक एक नंबर पर डिफरेंट पोजीशंस बन रही थी, 14 नंबर पीछे जाने का ये मतलब है कि आपको आपका डिजायर्ड ग्रुप नहीं मिलेगा। फिर आप पैस PS PFSP इनकी ख्वाहिश आप छोड़ दें, ठीक है। और अगर ख्वाहिश करनी है तो फिर आप मेहनत करें, और मेहनत करनी है तो फिर अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। उसके बाद है कि इस क्लास में क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले तो ये कि आप सब अभी से रजिस्टर और पेन वगैरह अपने पास रखें ताकि मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊं करने के लिए। ड्यूरिंग क्लास भी आप लोगों को बताऊंगी, क्लास के बाद भी आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, टेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं ड्यूरिंग सेशन में कुछ शॉर्ट टेस्ट रखती होती हूँ ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे हैं। फिर आप लोगों का ये होगा कि इसमें आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में इश्यू आ रहा है तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिस जिस तरह का भी इशू होगा वो सारे रिजॉल्व होंगे। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने हर चीज नोट करनी है, स्लाइड्स में आप लोगों को नहीं दूंगी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया कि नहीं मिलेगी, जो कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों ने हर चीज लिखनी है, हर चीज लिखनी है। हर चीज का ये मतलब है कि अगर मैं कोई इधर उधर की बात भी कर रही हूँ ना, वो भी आप लोगों ने लिखनी है। लिखने का बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को, और वो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन पता चल जाएगा कि लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसमें एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर आप लोगों को यूक्रेन क्राइसिस पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि इसके रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, मैं आपको एक दो बताती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ कि चलें अब आप लोग बताएं, आप लोग चुप करके बैठ जाते हैं, तो ये चीज मेरी क्लास में नहीं होनी चाहिए। मुझे चाहिए सबकी पार्टिसिपेशन। आप लोग माइक पे आ सकते हैं, आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, जब मैं पूछूं आप लोगों ने बोलना है। आप लोग नहीं बोलेंगे आपको इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप लोग चुप करके सिर्फ लेक्चर्स ले रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और आप लोगों का ध्यान नहीं है ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो आप लोगों से अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ चलिए मैंने ये बताया, अब आप लोग मुझे एग्जाम्पल्स बताएं, तो आप लोगों ने मुझे एग्जाम्पल्स बतानी है, चाहे आप मुझे मैसेज कर दें चाहे गलत बताएं, लेकिन बोलें सही ताकि आप लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। आप लोगों में वो वाला कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आप लोग उसको पेपर पे भी लिख सकोगे। जब आप लोग शुरू शुरू में लिखना शुरू करोगे या कोई टेस्ट दोगे तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि शुरू शुरू में ये इशू होता है कि समझ नहीं आती कि जो मैं लिख रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए कि पहले से प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा आपके वीक में 3 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स का ये मतलब है कि बाकी जो डेज हैं वीक के वो आप लोगों के पास टाइम है, आराम से नोट्स बनाएं, साथ साथ काम करें। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे लेक्चर्स पर सिर्फ रिलाई नहीं करना, ठीक है। ऑल दो ये मटीरियल इनफ है, लेकिन आप लोगों ने खुद से भी चीजें पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों की जो खुद की सर्चिंग है वो वाली अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। बाकी इंशाल्लाह मैं तो आप लोगों को करवा ही दूंगी, ठीक है।
अभी आप लोग ये करें कि रजिस्टर और पेन वगैरह अपने पास रखें, और ये आप लोगों के पास है वर्ड मैप, ठीक है। मैं वर्ड मैप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या मतलब है कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, दो वर्ड्स है, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल का ये मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल का ये मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ये जो मैप्स वगैरह हैं ये आप लोगों ने बाद में भी बनाने हैं, ठीक है। तो इसकी ना अभी रफ सी प्रैक्टिस करें, 2 मिनट है आप लोगों के पास। 2 मिनट में ना ये बिल्कुल इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये एक कॉन्टिनेंट, दूसरा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका तीसरा कॉन्टिनेंट, यूरोप चौथा, एशिया पांचवा, ऑस्ट्रेलिया छठा, अंटार्कटिका सातवां। 2 मिनट है आप लोगों के पास, रफ सा बनाएं इसको, और इसको चाहे मुझे पर्सनल में सेंड कर दें, और अगर नहीं पता मेरा नंबर तो फिर अपने पास ही रखें, और जब सारे कर लें तो मुझे मैसेज करें, जल्दी करें, शाबाश। मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ, कर तो मुझे आप लोगों ने चैट में बताना है। जिस जिसने ये मैप बना लिया वो मुझे जल्दी से बताए चैट में। ठीक है, गुड। जब अपने हाथों से इसको बनाएंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को चीजें याद भी होंगी, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने ये कॉन्टिनेंट्स देख लिए, इसके अलावा इसमें ओशंस भी देखें, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक, इंडियन, सदर्न, और ये ऊपर वाला भी। अब पैसिफिक का ना मैं बताती हूँ, आप लोगों ने कभी ग्लोब देखा होगा जिसको हम घरों में काफी यूज करते हैं लोग, गोल सा होता है वो। अब ये जो पैसिफिक ओशन है ना, बेसिकली ये जो वर्ड मैप है ये आप लोगों को ना एक फ्लैट में दिखाया होगा है। अगर आप इसको राउंड करें ना, तो राउंड में इसको एग्ज्यूम करें, ये जो राइट साइड वाला पैसिफिक ओशन है ना, ये वही है जो लेफ्ट साइड पर भी आ रहा है, ये दो अलग नहीं है, सेम है ये, ठीक है। तो ये ओशन भी याद करने हैं, क्योंकि आप लोगों के पास एक टॉपिक है इंडो पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसकी जो भी पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, या उसमें जो भी यूएस, चाइना, इंडिया, इन सब के जो भी रोल है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता होता है, तो उसमें आप लोगों ने ये चीज बना कर आनी है, ठीक है। ये उसमें आपको हेल्पफुल होगी। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने बनाया, बाकी लोग कहाँ पर हैं? मैंने 2 मिनट से ज्यादा दे दिए वैसे। चलें ठीक है, अब इसमें ना कुछ चीजें देख लें, क्योंकि वो आप लोगों के पास एक जनरल मैप था। इसमें जो जो कंट्रीज ज्यादा हैं, जिनके ऊपर हमने ज्यादा बात करनी है, उनको देख लें, ठीक है। अब अगर मेरा कर्सर यहाँ पर दिख रहा हो तो ये कनाडा से नीचे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। एक तो इसको देख लें, और इसको छोड़ दें, सदर्न को छोड़ें, अफ्रीका को भी छोड़ें, ये देख लें, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, फिर उसके साथ ही अफगानिस्तान, ईरान, ये टर्की, टर्की का वैसे इतना कोई रोल तो नहीं है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, जो हमारी एनर्जी नीड्स को भी पूरा कर सकती हैं। ये चाइना है, और ये साथ रशिया है, ठीक है। ये वाली मेनली कंट्रीज हैं जिनके बारे में हमने ज्यादा बात करनी होगी, बाकियों के बारे में भी करेंगे, लेकिन उनके इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये, अगर इस कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न अमेरिका की अगर हम बात करें, तो कैनेडा, अमेरिका एंड मैक्सिको, ठीक है। अब मैं इस वाले कॉन्टिनेंट को आप याद रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दूंगी, उसके लिए ये बताना जरूरी है, ठीक है। अब आप लोग आए और मुझे बताएं, जिस पर मेरा कर्सर होगा आप लोगों ने मुझे सिर्फ उस कॉन्टिनेंट का नेम बताना है, इस वाले का बताएं जिस पर मेरा कर्सर है।
ठीक है, गुड। ओके, इस वाले का ठीक है, शाबाश। इस वाले का ठीक है, वेल डन। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये ज्योग्राफी क्लास नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में कोटेशंस वगैरह भी लिखनी होंगी, आप लोगों ने मैप्स भी बनाने होंगे, पाकिस्तान का भी बनाना है इंटरनेशनली, जो भी मतलब पूरा वर्ल्ड का, वो भी आप लोगों को बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। थोड़ी सी मैंने इसलिए प्रैक्टिस करवा दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि लिखना भी होता है कुछ। और बिलीव यू मी, मैंने अपने साथ बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो अब तक तैयारी कर रहे हैं, और अब तक वो कह रहे हैं आज, कल, परसों, अगले साल दे लेंगे, अगला साल आता है उन्होंने फिर नहीं दिया, फिर अगला साल। वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, वो रिटर्न प्रैक्टिस उनकी है ही नहीं बिल्कुल भी। और जब उनकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होती तो उनको यूं लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो जब आप लोग लिखेंगे ना, तो आप लोगों की लिखने की स्पीड बनेगी, ठीक है? आप लोगों को लिखना आएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से लिखते हैं पेपर में बैठ के। ओके, सिलेबस में जाने से पहले इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन क्योंकि अब काफी स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे पास, तो बारी बारी आप सब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है? और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, और आप लोग हैं, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब चैट में भी बता सकते हैं। जल्दी करें, फिर मैं आप लोगों को सिलेबस का बताऊं। हाय, इतने शाय बच्चे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड। वकार, आप बताएं पहले मुझे। अभी अभी मैंने ये कहा है कि आप लोगों ने बोलना है, आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोग इस तरह से चुप करके बैठे रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं? आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर तो मैं तो आऊंगी, लेक्चर्स दे के चली जाऊंगी। किसी का बोलने का कोई इरादा नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आयशा। आयशा मुजफ्फर, आप मुझे बताएं। ठीक है जुनेद, कोई बात नहीं। मैंने भी अपना सबसे पहला सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस ही तैयार किया था, और तब मैंने कंपलसरी भी नहीं किए थे। एंड आई एम आल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। ठीक है, आप मैसेज भी कर सकते हैं जिसको इशू है बोलने में। कुछ लोग तो बोलने के डर से लीव ही उन्होंने कर दिया। ठीक है आयशा, मैं आपको अलाउ करती हूँ। ठीक है आयशा, और आपकी पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्लियर हैं या नहीं? ठीक है, ठीक है। इतने शाये बच्चे तो मुझे क्लास में नहीं चाहिए, मैं तो चाहती थी सारे बोले। और अगर आप लोग आज नहीं बोलेंगे ना, तो आप लोगों को इन फ्यूचर पता चलेगा कि ना बोलने का भी नुकसान होता है। चलें इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इंटरनेशनल रिलेशंस के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में, हर पेपर में अगर आप देखेंगे ना, कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें कुछ जनरल चीजें होती हैं, या उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका स्कोप, ये वाली चीजें। इसी तरह इंटरनेशनल में भी ये चीजें हैं। पहला पार्ट जो है वो जनरल
उसमें डिस्कशन आ जाती है, ठीक है। दूसरे पार्ट में थियोरीज आ जाती हैं, इन थियोरीज को आपने अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। और वो आपको इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर टॉपिक को जब हम करेंगे तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, थियोरीज पढ़ाकर आप लोगों से जब मैं पूछूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को आता है, ठीक है। ठीक है, गुड, ओके। और उसके बाद अगर हम देखें, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये टॉपिक्स किस तरह से दूसरे सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, ये टॉपिक आपके पास ऐसे में भी आता है, आप लोगों के पास करंट अफेयर में भी आता है और पाकिस्तान अफेयर में भी आता है। सेम चीजें होती हैं, सेम टॉपिक, सेम उसी के अंदर जो भी कंटेंट है वो सेम है सब कुछ। तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक्स आपके इस इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर हो जाते हैं। दूसरा है पावर। पावर जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप लोगों, अच्छा है, मजे का है। मतलब मुझे तो इंटरनेशनल रिलेशंस पसंद है, पढ़ने में मजा आता है। उसकी वजह यह है कि वही सारी जो नेशनल चीजें चल रही होती हैं, या इसको इसको ना मैं दूसरी तरह से एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप लोग देखें कि कोई मोहल्ला है, ठीक है, मोहल्ले में दो घर हैं, दोनों में लड़ाइयाँ हो गई हैं। इस चीज को ना अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई करें कि वो जो मोहल्ला है ना वो पूरी दुनिया है, ठीक है, और दो घर का क्या मतलब है, दो स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट या कंट्री भी जिसे हम कहते हैं वो हैं, और वो आपस में लड़ रही हैं। जिन चीजों पर लड़ रही हैं वो क्या है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह से हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना, इतनी छोटी छोटी और मजे के एग्जाम्पल से। फिर है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर में जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि यूएस जो है उसकी पावर, और उसकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है, और चाइना जो है उसकी पावर बढ़ रही है, तो बैलेंस किस तरह से हो रही है, किन चीजों से बैलेंस हो सकती है, बैलेंस नहीं होगी तो लड़ाइयां होंगी, वॉर हो सकती है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आया, तकरीबन हर साल फॉरेन पॉलिसी पे आता होता है, इवन एक साल तो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं फॉरेन पॉलिसी से। ये टॉपिक जो है ये आपके पास करंट अफेयर में भी है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी है, पाकिस्तान अफेयर में भी है और ऐसे में भी है। सॉवरेंटी, सॉवरेनिटी का टॉपिक जो है, सॉवरेंटी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन सॉरी नेशनल इंटरेस्ट जो है ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करता है, और सॉवरेंटी ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर है वॉर, सबको पता होगा वॉर्स के बारे में, लेकिन डिफरेंट तरह की वॉर्स होती हैं। आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट किए हो तो उसमें इस तरह की टर्म्स आती हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, गुरिला वॉरफेयर है। जैसे अफगानिस्तान में अगर किसी को बुक्स पढ़ने का शौक है तो उसके लिए यूज होता है कि अफगानिस्तान में जो वॉर चली उसमें गुरिला वॉरफेयर, गुरिला टेक्टिक्स यूज हुई थी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स की चीजें हैं। फिर डेटरेंस है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है न्यूक्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान, उससे रिलेट कर रहा है ये वाला टॉपिक जो है, ये पाकिस्तान अफेयर में भी है और करंट अफेयर में भी है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ से कवर हो जाता है। फिर है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पूरा टॉपिक आप लोगों का या करंट अफेयर के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर थेरीज या वो सारी चीजें, मतलब जैसे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वो थोड़ा सा इसमें ना टच आ जाता है इसका, अमेरिकेंटलिज्म, ये सारी चीजें यूएस हिस्ट्री में भी हैं। यूएस हिस्ट्री में पूरा स्टार्ट अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि मर्केंटलिज्म, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसमें मर्केंटलिज्म का एक कॉन्सेप्ट था, वो उसकी वजह थी एक। तो चीजें ना रिलेट हो रही हैं हर सब्जेक्ट से। तो वो अगर आप, अगर किसी और ने भी सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा और इंटरनेशनल रिलेशन उसका पहला सब्जेक्ट है, उसको तो ज्यादा फायदा है फिर, क्योंकि उसके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर इंटरनेशनल पोलिटिकल कम्युनिटी, सबने नेशनलिज्म का सुना होगा, इंटरनेशनलिज्म का भी सुना होगा और ग्लोबलाइजेशन का भी। ग्लोबलाइजेशन वो टॉपिक है जो करंट अफेयर में भी आता है, पाकिस्तान अफेयर में भी आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता है, क्रिमिनोलॉजी में भी आता है, जनरल स्टडीज में भी आता है, ऐसे में भी आता है, ठीक है। तो कितने ज्यादा सब्जेक्ट्स को ओवरलैप कर रहा है एक टॉपिक, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस की। डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस तकरीबन हर साल आते हैं, और ये इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स जो है उनको आइडिया होगा, उसके साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं। डिसआर्ममेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, ये टॉपिक आपका इसी तरह से करंट अफेयर में भी है, तो वो वहां से भी कवर हो जाएगा। फिर यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशंस का ही है पार्ट। आईएमएफ का सबने सुना होगा, सबको पता है आईएमएफ किस तरह से पाकिस्तान कर्जे ले रहा है, किस तरह से दूसरी कंट्रीज कर्जे ले रही है, किस तरह से आईएमएफ जो है वो सबको डेट ट्रैप में फंसा लेता है। सबने इस बारे में सुना तो होगा अगर किसी ने पढ़ा नहीं तो। इस
सब्जेक्ट में हम इस चीज को डिटेल से पढ़ लेंगे, ये फायदा होगा। सबने अक्वामे मुतहदा का तो सुना होगा ना, न्यूज में अगर आप लोग उर्दू में भी न्यूज सुनते हैं वहां पर आपने सुना होगा अक्वामे मुतहदा में ये हो गया, अभी हो गया, वो हो गया, तो हम उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर चीजें करेंगे। एंड बिलीव यू मी, इंटरनेशनल रिलेशंस इतना मजे का सब्जेक्ट है ना कि आप लोगों को मजा आ जाएगा पढ़ने का, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही चीज है ये। और जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैंने किया, मेरा बैकग्राउंड है साइंस का, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के हैं स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के, इस तरह से मैथ ही जोलॉजी की। तो जब मैंने इसको नहीं पढ़ा था तो मुझे मतलब सीएसएस का बिल्कुल इस तरह से एज सच आइडिया नहीं था, और मुझे यूं लगता था कि मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे करूंगी मैं, नहीं आती थी चीजें। मैंने पहला सब्जेक्ट जो प्रिपेयर किया था वो इंटरनेशनल रिलेशंस ही था। मैंने इसको काफी मतलब एक एक चीज, एक एक वर्ड को देखना कि क्या होता है, किस तरह से है चीजें, और फिर मैंने रिसर्च पेपर्स इसके लिए पढ़े थे, इंटरनेशनल बुक्स पढ़ी थी, नेशनल पढ़ी थी, जहां से मुझे मटीरियल मिलता था मैं उसको पढ़ती थी। और मैंने जब इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स बनाए थे ना, मतलब ड्यूरिंग लेक्चर ही, ड्यूरिंग वो सेशन जो था, मैं साथ ही नोट्स बनाती थी, रफ भी बनाती थी, लेक्चर नोट करती थी, और उसके बाद मैं नीट नोट्स बनाती होती थी और लेंथी बनाती थी। और जब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस कवर हुआ था, मुझे मुझमें ना एक डिफरेंट सा कॉन्फिडेंस था, यूं लगता था कि मतलब जरूरी नहीं कि मैं अगर साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे सिर्फ साइंस का ही आएगा, मुझे और चीजें भी आती है, मुझे पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बजाते खुद है क्या, ये सारी चीजें फिर आपको पता चल जाती हैं, और ये बहुत एक अच्छी वाइब्स आती है आपको खुद से ही। उसके बाद है पेपर टू। पेपर टू जो है इसमें ना आधा जो पेपर है आधा वो तो यही सिलेबस में से ही आएगा, बाकी आधा पेपर जो है वो आपका करंट अफेयर्स से आता है। पेपर टू में ये तो सिलेबस हम कवर करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है, वो मैं सेपरेट से करवा दूंगी आप लोगों को। इसमें हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन क्या होती है, फासिज्म उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लीग ऑफ नेशन जो यूनाइटेड नेशन से पहले थी इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखी है, लेकिन हम फर्स्ट भी पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी, फिर सेकेंड क्या थी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की क्या सिचुएशन थी, यूएस और यूएसएसआर के दरमियान जो राइवलरी थी उसमें क्या कुछ हुआ था, उसके बाद कॉलोनीज थी तो वो डीकोलोनाइजेशन किस तरह से हुई थी, क्या फैक्टर्स थे उसके, फिर ये कुछ वर्ल्ड जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो कोल्ड वॉर के बाद का क्या सारा सिनेरियो था, ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब ये कि हिस्ट्री की काफी चीजें जो है ना ये इन तीन सेक्शन से कवर हो जाती है। उसके बाद जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपके पेपर वन में भी है, पेपर टू में एक दो ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट कंट्रीज की है, पाकिस्तान की तो आप लोगों ने वैसे भी पढ़नी पड़नी है, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, इंडिया की थोड़ी सी देख लेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की हम देख लेंगे, यूएसए की भी आप लोग पढ़ लेंगे यूएस हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ भी आप लोग पढ़ लेंगे तो फायदा हो जाएगा। फिर साउथ एशिया में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं, वाटर के इशू हैं, उसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर आप लोगों के पास स्किर्मिशेस चलती हैं वो इश्यूज हैं, ट्रेड का मसला, बहुत सी चीजें हैं बीच में जो आप लोगों को नहीं पता, जो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को दूसरों के बीच बैठ कर लगेगा कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ी हैं, हमें आती हैं, तो वो वाला एक कॉन्फिडेंस आता है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ के। अफगानिस्तान के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री इसकी देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक क्या चलता है, फिर जब यूएस निकल गया यहाँ से फिर क्या 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 कुछ हुआ, करंटली क्या चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। फिर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ये पूरा जो है ना ये आपका नॉन प्रोलिफरेशन जो पेपर वन में था टॉपिक उससे लिंक कर रहा है, तो ये सारा इकट्ठा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह इसमें कोई चीज मिस नहीं करेंगे। फिर कंटेम्परेरी इश्यूज में इन्होंने आपके पास सिर्फ तीन टॉपिक्स दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर आपको नहीं बताया कि यूक्रेन का मसला भी चल रहा है, ठीक है, वो कंटेम्परेरी इश्यूज में से तीन ही बताई है ना बातें, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि यूक्रेन का इशू चल रहा है, पैलेस्टीन का चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली इन चीजों से पूछेगा, तो वो चीजें सिलेबस में तो नहीं लिखी लेकिन करनी तो है ना। उसके अलावा क्लाइमेट के ऊपर वो फॉरेन पॉलिसी और क्लाइमेट को लिंक करके पूछता है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता, जैसे ये COP28 हुआ, फिर अब COP29 होगा, ये वाली चीजें, ये वाली भी आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और कश्मीर इशू भी हम करेंगे डिटेल में, और पैलेस्टीन इशू भी हम करेंगे। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैंने चीजें सिर्फ बताई हैं कि क्या कुछ है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी तक कोई मसला या कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही, क्योंकि ये जो मैंने तकरीबन 401 स्लाइड्स बनाई है ना, ये आप लोगों के लिए ही बनाई है। इसमें वो मटेरियल है, वो सब कुछ है। थेरीज कैसे कवर करनी है? देखें, थेरीज के लिए ना दो बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो बुक से भी कर सकते हैं, और बेस्ट चीज यही है कि आप लोग इंटरनेट से उसको कवर करें, वरना मैं तो आप लोगों को करवा ही दूंगी। ठीक है, अब इसमें मैंने जो भी आप लोगों को लेक्चर्स देने हैं, मैंने साथ साथ आप लोगों को बताना है कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों को स्लाइड्स का बताऊं, तो ये सारी चीज है इसके अंदर। ठीक है, थियरीज वाले पार्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये थियरीज वाला पार्ट है। ये सारी थियरीज, उनके अजम्पशंस विद एग्जाम्पल्स विद डिफरेंसेस, ये सारा कुछ हमने करना ही है इंशाल्लाह। अच्छा, एहसान, कुछ चीजों को ना क्रैम करना पड़ता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को देखेंगे ना, विदाउट क्रैमिंग कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं आप लोगों को आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग, आपने देखा होगा कि ऐसे में ना एक वेमेन से रिलेटेड टॉपिक आता है। ठीक है, अब उस ऐसे को करने के लिए आपको पता होना चाहिए, वो आपसे पूछता है कि तीन वेव्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है। तो आपको तीन वेव ऑफ फेमिनिज्म कब पता होंगी? जब आपने उसको पढ़ा होगा, उसको याद किया होगा। ठीक है, तो इतनी सी क्रैमिंग करनी पड़ती है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में और दूसरे सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आपसे ज्यादा एनालिसिस मांगता है। जो चीज आपने पढ़ ली है ना, आपने उसको रिक्रिएट करना है, इंसाइड ऑफ दिस के आपने जो पढ़ा है उसको एज इट इज पेपर में लिखा है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आपसे वो एनालिसिस मांगेगा, कुछ सीधे सवाल देता है वो आपको। जैसे फॉरेन पॉलिसी है, तो फॉरेन पॉलिसी का वो आपसे पूछ लेगा कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सिलेबस में लिखा है, वही आपने वैसे लिखा ना जो मैंने आपको पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स वो आपसे पूछेगा कि जैसे जैसे अफगानिस्तान की एग्जाम्पल लेते हैं। अब अफगानिस्तान जो है, वहां से अमेरिका निकल गया, वो आपसे ये पूछेगा कि अमेरिका तो निकल गया, लेकिन अमेरिका निकला क्यों है, उसके क्या इसमें मुफादात थे। ठीक है, तो वो वहां पर एनालिसिस होगा, और वो एनालिसिस मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जब मैं आप लोगों से पूछूंगी, जब आप लोग थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, मुझे बताएंगे। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने सही बताया कि नहीं। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये है कि आपको क्रैम करना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितने बाकी सब्जेक्ट्स को करना पड़ता है। जैसे इस्लाम में आपने आयात करनी है और इवेंट्स को भी याद करना है, बहुत सी क्रैमिंग आपको करनी पड़ती है। सीएसएस में तो करनी पड़ती है। जो ये कहते हैं कि सीएसएस बगैर क्रैमिंग के हो जाता है, आई एम सो सॉरी, मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं है जुनेद, लेकिन आपने कोशिश अच्छी की है, आपने थ्योरी को पुट करने की कोशिश की है। अगर वो आपसे नहीं भी पूछता ना डायरेक्ट थ्योरी का, तो आपने उसको फिर भी थेरेटिकल वे में बताना है। ठीक है, जैसे इसराइल जो है, उसने अब पैलेस्टीन पे वॉर की है, वो उनके राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, उनसे उनका लैंड छीन रहा है, और इंटरनेशनली भी जो लॉ कहता है उसके मुताबिक भी ये गलत है। ठीक है, तो आपने इसको फिर वहां पर जब थ्योरीज अप्लाई करनी है ना इस क्वेश्चन पे, वहां पर आपने रियलिज्म की थ्योरी अप्लाई करनी है। आपने बताना है कि रियलिज्म ये कहती है कि जो इसराइल कर रहा है वो, अब रियलिज्म भी दो तरह की रियलिज्म होती है, जब मैं आपको बताऊंगी ना थ्योरीज, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। ये सिर्फ मैं जुनैद के क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, कि वहां पर भी फिर आप इस तरह से उसको बता सकते हैं कि अगर इसराइल जो है वो पैलेस्टीन के राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो क्लासिकल रियलिज्म ये कहती है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, या क्योंकि इसराइल का जो लीडर है वो सेल्फिश है, इस वजह से वो ये कर रहा है। ठीक है, और अगर आपने दूसरे रियलिज्म की बात करनी है, तो आप उसमें कहेंगे कि क्योंकि एनार्की है, इस वजह से इसराइल जो है वो फायदा उठा रहा है इस इंटरनेशनल सिस्टम का, और पैलेस्टीन जो है उसके राइट को वायलेट कर रहा है। इस तरह से करके फिर आप थियोरीज अप्लाई कर देंगे।
जी एहसान आ सकते हैं, और जब आप यहाँ पर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो ऐसे होते हैं वो भी सिंपल नहीं होते, वो सारे टेक्निकल होते हैं, क्योंकि उन ऐसे में ना कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई होती हैं जो स्टेटमेंट से पता नहीं चल रही होती, लेकिन आपने उनको फिर भी गेस करना होता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं चीजें या इनको किस तरह से करना है, वो आपको तभी पता चलता है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो जब भी आप लेक्चर लें तो आपने लेक्चर के दौरान बोलना है, पूछना है, पूछेंगे तभी पता चलेगा। अगर मैं पूछ रही हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, गलत भी दे रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, एटलीस्ट आप में कॉन्फिडेंस तो है ना, आप जो बोल रहे हैं आपको पता तो है ना कि आप कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। देखें अभी मैं आपको करंट अफेयर का लेक्चर नहीं दे रही, ठीक है, और मैं सिर्फ आप लोगों को ये पूछ रही हूँ कि अभी जितना भी आप लोगों ने किया इसमें कोई इशू है या नहीं, ये सारी चीजें जो है ना ये मैंने आपको पाकिस्तान ईरान वाला भी सारा कुछ बताना है, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, क्योंकि आज के लेक्चर सिर्फ डेमो लेक्चर है। ये सारे जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम एंड पर करेंगे, ताकि जो भी सारे ड्यूरेशन में कोई करंट डेवलपमेंट्स हुई है ना वो सारी फिर कवर हो जाए। तो अभी ऐसा करें कि अभी आप लोग 10 मिनट की ब्रेक लें, ताकि आप लोग नमाज पढ़ें और 10 मिनट बाद फिर आए, फिर मैं आप लोगों को थोड़े से जार्गन्स का बताती हूँ। अभी 5:55 हुए हैं, 6:10 पर इंशाल्लाह हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोगों को ये जार्गन्स बताऊंगी, ठीक है, विद एग्जांपल्स, फिर आप लोगों से भी मैं पूछूंगी।
अभी जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो मुझे बताएं जरा, उनको कुछ मुश्किल तो नहीं लगा सिलेबस? बच्चों इधर हो भी या नहीं? एहसान, इस यस का क्या मतलब है? यस का ये मतलब है कि मुश्किल है। चलें ठीक है, गुड। हानिया, आपने पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लिए हैं हमें कहीं से भी? ये इतना इजी है अभी, और अभी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज्यादा मजे का है। आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने में भी मजा आएगा इंशाल्लाह। ओके, फिर तो अच्छी बात है। चलें फिर हम लोग करें स्टार्ट। बाकी जो लोग इधर हैं वो भी बता दें, फिर हम करते हैं। एहसान, ये मुश्किल लगेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा खुद भी साइंस का है तो मुझे आइडिया है कि साइंस स्टूडेंट्स को कितना मुश्किल लग सकता है, तो मैं इसीलिए चीजों को बिल्कुल इजी वे में करवाती हूँ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। ओके, गुड। अच्छा बच्चों, देखें, जब आपने पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़नी है उसमें कई इस तरह के वर्ड्स आएंगे जो आप लोगों को मैं साथ साथ बता दूंगी, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे लगा कि पहले पता होने चाहिए, वो मैंने लिख लिए हैं। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं या तो वो एज अ टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में मौजूद है इसलिए मैंने इनको यहाँ पर नहीं लिखा, या वो इस तरह से है कि उनको सेपरेटली एक्सप्लेन करना इतना जरूरी नहीं लगा मुझे, ठीक है? इसीलिए मैंने नहीं लिखे वो। बाकी जो मेन मेन थे ना वो मैंने लिख दिए हैं। पहली कंफ्यूजन जो ये होती है कि स्टेट और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो स्टेट या कंट्री या जिसको हम नेशन भी कह लेते हैं उसमें वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो डिफरेंस होता है, ठीक है? अब जैसे स्टेट है तो वो एक पॉलिटिकल टर्म है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें, पॉलिटिक्स, पावर, इस तरह से रिलेटेड चीजें आती हैं। और नेशन जो होती है वो कल्चरल एंटिटी है, ठीक है? आपका कल्चर क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह के खाने खाते हैं, आप किस तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये नेशन में आ जाता है, ठीक है? जैसे हम पाकिस्तानी नेशन है, इंडियन नेशन है, सबके कल्चर डिफरेंट है, ठीक है? तो वो उनको उनको एक्सप्लेन करने के लिए इन टर्म्स में हम नेशन कहेंगे। लेकिन अगर हमने स्टेट को एक्सप्लेन करना है तो स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है? उसमें हम देखेंगे कि स्टेट की ना एक सेपरेट डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ अभी, क्योंकि वो आप लोगों के सिलेबस में है, जब मैं आप लोगों को पहला ही लेक्चर कल करवाऊंगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी उसमें डेफिनेशन भी। लेकिन स्टेट जो होती है वो, जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट है अपनी जो पूरी कंट्री को चला रही है। पाकिस्तान की एक टेरिटरी है, डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर एक पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन रख सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशन पे कोई भी कंट्री पूरा उतरती है तो उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक
ठीक है। बाकी अगर आपने जनरल टर्म्स में अगर कोई किसी भी स्टेट को डिफाइन कर रहा हो तो आप उसको कंट्री कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में आप उसको स्टेट कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड टर्म है एनार्की। एनार्की क्या होती है? एनार्की एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ना सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ, हम सबके घर है ना जो, ठीक है, जैसे हम मेरा घर है, ठीक है। अब घर में ना हर बंदे का एक रूल होता है, आइदर इट्स योर मदर और योर फादर, जिसने देखना है कि घर में क्या कुछ चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, खाने का एक निजाम होता है, और जैसे पैसों का एक निजाम है कि बाप ने पैसे कमाने हैं। मोस्टली घरों में ना फादर का रूल होता है, तो फादर ने कमाना है, फादर ने आना है, फादर ने देखना है बच्चे क्या कर रहे हैं, बीवी को क्या चाहिए, मेहमान आ गए हैं तो क्या लेकर आना है, कोई चीज गलत तो नहीं हो रही, कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसको डांट पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक रूल या वो एक जो सिस्टम है ना, उसमें एक चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। कोई ना कोई देख रहा है कि क्या चीजें हो रही हैं। अगर इस तरह का सिस्टम नहीं है, ठीक है, घर का निजाम इस तरह का है कि जिस बंदे का जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा, ठीक है, कोई अगर बेटा है तो वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है, उसको कोई पूछ नहीं रहा बाप या माँ, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे एनआरकी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर हम एनआरकी इसको कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, रिसेंट एग्जाम्पल से बात करते हैं। रशिया जो है उसने यूक्रेन पर हमला किया, ठीक है, उसके ऊपर छोटी मोटी सैंक्शंस तो लग गई, यूनाइटेड नेशंस था क्योंकि हमारे पास उसका काम था ये, उसने छोटी मोटी सैंक्शंस लगा दी, अमेरिका ने भी लगा दी, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई इस तरह का रूलर था कि वो उसको कह सकता कि तुम यहां से अभी के अभी निकलो? क्या फिर रशिया, अब रशिया को चाहे यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा, यूएस ने भी कहा, यूरोप ने भी कहा, लेकिन क्या रशिया जो था वो यूक्रेन से निकला? नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि सिस्टम में एनार्की है, सबको पता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं हमको, ठीक है। चाहे आपके पास इंटरनेशनल लॉज हैं, चाहे आपके पास यूनाइटेड नेशंस हैं, चीजें चाहे आपके पास हैं, लेकिन ये जो एक पूरा सिस्टम है उसमें क्या है कि सिर्फ आप नेशन नहीं हो, दूसरी और भी नेशंस हैं या स्टेट्स हैं जो ये काम कर रही हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया। इंडिया ने कश्मीर पे हमला किया या उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, दूसरी स्टेट्स बोलती हैं लेकिन सिर्फ बोलती ही हैं, उसको ये उसके ऊपर ना कोई कोई रूल उसके ऊपर नहीं कर सकता, या कोई इंडिया को ये नहीं कह सकता कि तुम अभी के अभी यहां से निकलो क्योंकि तुमने ये गलत काम किया, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसा है। इसको हम कहते हैं एनआरकी, ठीक है। तीसरी टर्म है स्ट्रेटेजिक। जहां भी वर्ड स्ट्रेटेजिक यूज होता है उसका मतलब होता है मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री, या जैसे हमारे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इस तरह का कोई वर्ड यूज हो रहे हैं इस तरह के कोई भी सेंटेंस में, तो उसका यह मतलब है कि पाकिस्तान के मिलिटरीली इंटरेस्ट, पाकिस्तान की मिलिट्री को कौन से एडवांटेजेस हैं, ये वाली टर्म्स। यस, ऐसा ही है, हाँ, इसराइल पैलेस्टीन के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। चौथी टर्म है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। पहले इस वर्ड की ना ब्रेक डाउन करें इसको, जियो पॉलिटिकल। जियो का मतलब जियोग्राफी, ठीक है, एक एरिया, और पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि आपके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं या जो पॉलिटिकल पावर है वो आपकी जियोग्राफी से लिंक करती है, ठीक है, उसमें कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल एक मैंने लिखी है, ठीक है, एक दो मैं और बता दूंगी, बाकी आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल जो मैंने लिखी है उसमें ये है, अब सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी ज्योग्राफी इस तरह की है कि वो क्लाइमेट से इम्पेक्ट होता है, ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 1% इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो भी चेंजेस आ रही हैं उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन फिर भी इसको लॉस बहुत ज्यादा होता है, इट्स द 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। तो इसके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया, ठीक है, जो भी आपकी COP 26, 27, 28 हुए हैं, इनमें इस लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई कि पाकिस्तान क्योंकि जियोग्राफी उसकी इस तरह की है और वो इस चीज से इम्पेक्ट हो रहा है, इस वजह से इसको ये उसके वहां पॉलिटिक्स यूज की गई कि इसको आप फंड्स दें, ठीक है, इसको किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करें। दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो हाँ, जैसे चाइना जो है, अब हर चीज का ना एक कुछ लॉज होते हैं उसको उसके लिए, जैसे अगर आपके सीज है ना
तो सीज में ऐसे नहीं होता कि हर कंट्री ने अपनी मर्जी की, कोई भी शिप आ रही है जा रही है, इस तरह से नहीं होता। उससे कुछ ना लॉज बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ठीक है, ये 1982 में थे। अब उसके मुताबिक चाइना जो है वो जो भी सीज के लॉज हैं उनको फॉलो करेगा, ठीक है। उसके ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकता किसी भी चीज के ऊपर कि ये वाला मेरा एरिया है या ये वाला दूसरा एरिया। अब ये इंटरनेशनल लॉ अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको आइडिया होगा कि इंटरनेशनल लॉ में आपके पास होता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं आपके पास, कुछ ना टेरिटरी डिफाइन होती है वॉटर की भी, जैसे लैंड की है ना बाउंड्री जो बनी हुई है, जो आप जियोग्राफी देखते हैं मैप पर देखते हैं वो डिफाइंड है, इसी तरह वो तो लैंड की है, इसी तरह वाटर की भी होती है, ठीक है। तो अब चाइना ये कहता है कि उसके साउथ चाइना सी में ना कुछ क्लेम्स हैं, वो कहता है कि जो भी आइलैंड्स है ना, कुछ कुछ आइलैंड्स पे वो कहता है कि ये मेरी टेरिटरी में आते हैं। उन्हीं आइलैंड्स के ऊपर दूसरी कंट्रीज भी कहती हैं कि ये हमारे पास आने चाहिए, वियतनाम कहता है हमारे पास आए, फिलीपीन कहता है हमारे पास आए। अब बेसिकली चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो उन लॉज को वायलेट कर रहा है, वो जियोग्राफी को यूज कर रहा है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक समझ आई है जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया। हाँ, एयर स्पेस में भी ऐसे ही होता है। अब एयर स्पेस के लिए भी ना, जब मैं आप लोगों को कोल्ड वॉर पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ ट्रीटीज साइन हुई हुई है कि एयर स्पेस में भी आपने अगर किसी भी कंट्री ने उसको यूज करना है तो वो किस तरह से यूज करना है, वहां पर आपने एक्सप्लोरियन कर सकते हैं या नहीं, टेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें भी डिफाइन है, ठीक है। कुछ सिस्टम को चलाने के लिए ना आप लोगों के पास कुछ लॉज होते हैं, जैसे घर का निजाम चलाने के लिए पापा या मामा की बात अटल होती है, आपने उसको मानना होता है। इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में भी अगर कंट्रीज ने आपस में कोई काम करने है, कॉपरेशन करनी है या कुछ भी चीज करनी है, तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, सैंक्शंस होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, लॉज होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। चले, मैं इसकी एग्जाम्पल आप लोगों से बाद में पूछूंगी। फिर है जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जियो यानी जियोग्राफी, इकोनॉमिक यानी आपकी जो इकोनॉमी, जियोग्राफी को लिंक कर दो इकोनॉमी से, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपके पास सीपैक। चाइना को सीपैक में इंटरेस्ट था, ठीक है, चाइना का इंटरेस्ट है बीआरआई। बीआरआई के आगे से ना 6 रूट्स हैं, उन 6 रूट में जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है या सबसे अहम रूट जो है या प्रोजेक्ट है वो है सीपैक, जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है, जियोग्राफी को लिंक कर रहा है इकोनॉमी के साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। चाइना का इंटरेस्ट यही है ना कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाए वो, इसीलिए वो क्या कर रहा है, जियोग्राफी को यूज कर रहा है, पाकिस्तान को यूज करके वो अपने इस प्रोजेक्ट को एनहेंस कर रहा है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो है नेफ्टा, नॉर्थ एटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये मैं बताती हूँ, मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था इसको याद रखना। ये जो एरिया ना आप लोगों के पास नॉर्थ अमेरिका वाला, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, इन तीनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ ना ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए कुछ बैरियर्स हम कम कर देंगे या उसमें ड्यूटीज कम कर देंगे ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करें। ऐसा ही है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, तो ये है नेफ्टा, इस तरह से होता है। अब जो ये दो टर्म्स बताई है ना, पहले मैं इसकी एग्जांपल्स आप लोगों से पूछूं। अगर मैं ये पूछूं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो ये जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट होगा या जियो इकोनॉमिक होगा? ठीक है, शाबाश। और अगर मैं ये पूछूं कि चाइना ये क्लेम करता है कि ताइवान मेरा है, ठीक है, तो ये जियोपॉलिटिकल है या जियो इकोनॉमिक है? ये जियो इकोनॉमिक किस तरह से है? चाइना कहता है ताइवान मेरा है, वो उस पूरे एरिया को हासिल करना चाहता है ताकि अपनी पावर को इनहेंस करे, तो ये जियो पोलिटिकल है, इसमें उसके कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, ठीक है।
अब हाँ बल्कि इसमें एक एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को वैसे ही दे दी थी। अब आप लोग मुझे ये बताएं, हाँ अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, यूएस जो है उसने ईरान के ऊपर ना सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक है, सैंक्शंस लगाई हैं कि उसके साथ कोई ट्रेड ना करे। तो ये जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका, ये जियो पॉलिटिकल है। हाँ बिल्कुल, ये जियो इकोनॉमिक है। ओके, किसी को ब्रिक्स का पता है? ब्रिक्स का नेम सुना, वो न्यूज में काफी आता है, ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स में, ब्रिक्स का मुझे ये बताएं कि क्योंकि जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कॉपरेशन करनी है, ट्रेड करनी है, आपने हर उस मेन को यूज करना है जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आपके इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ठीक है। आप किसी पर सैंक्शंस लगा सकते हो, जैसे अमेरिका ने ईरान पर लगाए सैंक्शंस, ठीक है, ताकि वो दूसरों के साथ ट्रेड ना कर सके। और आप इसी तरह, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से बनी ताकि आपस में ये सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड करें या एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें ताकि अपनी इकोनॉमी को इनहेंस करें, इकोनॉमी बूस्ट करें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये थोड़ा सा उल्ट है एहसान, आपने रशिया को छोड़ दिया बीच में। रेड चाइना सी, देखें ये दो हैं, रेड सी है या साउथ चाइना सी है, ठीक है, दोनों अलग हैं। और अगर मैं साउथ चाइना सी की बात करूँ ना, तो साउथ चाइना सी में ये है कि चाइना ये कहता है कि कुछ आइलैंड्स हैं वहां पर, ठीक है, वो आइलैंड्स ये कहता है कि ये आइलैंड्स मेरे हिस्से में आते हैं। वो आइलैंड्स अगर उसके हिस्से में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो किसी टेरिटरी पर क्लेम कर रहा है, पोलिटिकल क्लेम है ये उसका। पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसके अंदर आपके पास होती है अथॉरिटी या पावर, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें भी क्या है, अथॉरिटी, कि आपको लोगों से पावर मिल रही है या आपको किसी जगह से पावर मिल रही है कि आप उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी को क्लेम कर रहे हो, उस जगह पर कब्जा करना चाह रहे हो, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इसको इस तरह से लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी डायलिमा। अच्छा, डायलिमा ना इंग्लिश का वर्ड है, और इसमें ये होता है कि ये ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जब आपके पास दो चॉइसेस हो और आप लोगों को पता ना चल रहा हो कि आप लोगों ने राइट को चूज करना है या लेफ्ट को, ठीक है, कौन सी अच्छी होगी। इसको ना मैं इस तरह से बताती हूँ कि जैसे लड़कियों में आप लोगों ने शादी पर जाना है, आप लोगों के पास दो ड्रेसेस हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रही ये पहनू या ये पहनू, इसको हम कहते हैं डायलिमा, ठीक है। लड़के अपनी वाली एग्जाम्पल्स खुद सोच लें। अच्छा, सिक्योरिटी डायलिमा क्या होता है कि एक कंट्री है जिसको ये लग रहा है कि दूसरी कंट्री जो है ना वो अपनी पावर इनहेंस कर रही है। हो सकता है वो पावर मिलिट्रीली हो, ज्यादा वेपन्स बना रही है, इकोनॉमिकली हो, ज्यादा उसके पास रिजर्व ज्यादा है, ठीक है, या मनी कह लें सिंपल वर्ड्स में कि उसके पास मनी ज्यादा है। जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो पावरफुल होता है। ये आप चाहे इसको नेशनल लेवल पर करें, इंटरनेशनल लेवल पर करें, या इंडिविजुअल लेवल पर करें, जिसके पास पैसे ज्यादा है वो बंदा पावरफुल होता है, उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो ज्यादा चीजें कर सकता है। अथॉरिटी नहीं, पावर ज्यादा होती है। अच्छा, तो जब एक स्टेट को ये लगता है कि दूसरी स्टेट के पास या उसके राइवल स्टेट के पास पावर ज्यादा हो गई है, तो वो एक डायलिमा में आ जाता है, ठीक है, या वो स्टेट डायलिमा में आ जाती है। उसको ये होता है कि मैं, मेरी अपनी जो पावर है या सिक्योरिटी है उसको खतरा है, ठीक है, तो मुझे भी अपनी पावर को इनहेंस करना चाहिए। इस चीज को ना आप देख नहीं सकते कहीं से भी, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कोल्ड वॉर के दौर में ना, कोल्ड वॉर में बेसिकली दो स्टेट्स थी जो ज्यादा थी, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, या सोवियत यूनियन, जिस, हाँ, आर्म्स रेस, मैं यही बताने लगी हूँ वानिया। अच्छा, इसमें ना ये होता है कि जब कोल्ड वॉर के वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई, टू खत्म हो गई, कोल्ड वॉर का दौर आया, कोल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर, ये दो थी, इन दोनों के दरमियान ना अब एक रेस लगी हुई थी कि किसी ना किसी तरह मैं आगे जाऊं, मैं दूसरे को हराऊं, मेरे पास वेपन ज्यादा होने चाहिए। तो इन दोनों स्टेट्स के दरमियान आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी। आर्म्स रेस कहते हैं कि वेपन्स, आर्म्स या वेपन्स, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, इनको ज्यादा करें, उसकी एक रेस लग गई थी कि मेरे पास ज्यादा होने चाहिए, मेरे पास ज्यादा होने चाहिए। इवन न्यूक्लियर वेपन्स तक आ गए थे। न्यूक्लियर वेपन्स, अब आप लोगों ने सुना होगा ना, हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट जो हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक यूज हुए थे, तो कितना नुकसान हुआ था। उस वक्त भी कोल्ड वॉर के दौर में भी एक खतरा था कि अब फिर से न्यूक्लियर वॉर हो सकती है।
तो उस दौर में भी एक ये रेस लग गई थी कि सिक्योरिटी डाइलमा इतनी खतरनाक चीज है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा। अब मैं पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के ये एक सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है ना उसके ऊपर, अगर दूसरी कंट्री को पता चल जाए कि हम लोगों के पास इतने ज्यादा वेपन्स हैं या हम लोग के वेपन्स हैं कहाँ पर, तो वो एक थ्रेट आ जाता है। तो इसीलिए ये होता है कि जब किसी कंट्री को ये लगता है ना कि दूसरी कंट्री ज्यादा पावरफुल है, इसके पास वेपन ज्यादा है, आर्मी ज्यादा है, इसके पास मनी ज्यादा है, तो वो क्या करती है कि वो अपने रिजर्व्स को बढ़ाने लग जाती है। आर्मी ज्यादा, रिक्रूटमेंट ज्यादा होगी, वेपन ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से चीजें ज्यादा होती हैं। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान में भी यही चीज है। जैसे 1974 में इंडिया जो था उसने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान को थ्रेट लगा, ठीक है, उसके अंदर सिक्योरिटी डायलेमा आया, उसको लगा कि उसके पास तो पावर ज्यादा हो गई है, अब किसी भी वक्त इंडिया हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा और पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, अपनी जो भी न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने भी बनाए, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए, ये सारी चीजें की, और पाकिस्तान ने इसके बदले में फिर 6 हमले किए थे, जो स्टोरी आप लोग पाकिस्तान स्टडीज में भी सुनते आए हैं, ठीक है। ये है सिक्योरिटी डायलेमा। अब आप लोग मुझे एग्जाम्पल्स बताएंगे इसकी। हाँ शाबाश, ऐसा ही है। चलो बच्चों और एग्जांपल्स बताओ, थोड़ी करंट एग्जांपल्स बताओ। आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया का सुना है? नॉर्थ कोरिया भी यही काम कर रहा है, अगर आप लोगों को पता हो तो। नॉर्थ कोरिया ने भी काफी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं ताकि अपनी पावर को एनहेंस कर सके, क्योंकि आपको पता है साउथ कोरिया जो है उसके ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी उसने न्यूक्लियर टेस्ट काफी ज्यादा किए हैं। अब अगर मैं आप लोगों को ये एक रीजन बताऊं कि रशिया जो है उसने यूक्रेन पर अटैक किया, उसकी एक वजह जो है वो सिक्योरिटी डायलेमा है, तो मुझे बताओ ये बात समझ आती है? ठीक है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा। अच्छा, असल में आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है ना, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो था ना रशिया, उसने बेसिकली, उसको ना थ्रेट ये था कि कहीं यूक्रेन ना नेटो का पार्ट ना बन जाए। हाँ, नेटो, नेटो वाली रीजन मेन थी इसकी। उसका ये था कि जब नेटो का वो पार्ट बन जाए, पता है नेटो की एक पॉलिसी होती है कि नेटो की जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी ने एक मेंबर पर भी अटैक किया तो बाकी सारे जो नेटो के मेंबर्स हैं वो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं जिसने अटैक किया होता है, इसको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी का नाम भी देते हैं। तो ये मेन रीजन थी। और ये ना रशिया, जब से यूएसएसआर टूटा था तो रशिया को ये था कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी नेशंस हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी नेटो का पार्ट बन रही हैं, और यूक्रेन बिल्कुल उसके बॉर्डर के साथ है, अगर वो भी नेटो का पार्ट बन जाएगा तो ये तो उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, इसीलिए उसने उसके ऊपर अटैक किया था। ये इस सिक्योरिटी डायलिमा की वजह से उसने यूक्रेन पर अटैक किया था, ठीक है। तो जब आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आता है और आप लोगों ने इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देनी है, तो आप लोगों ने उसके अंदर ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं, कि मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बता रही कि बस ठीक है दी एंड। ये आप लोगों ने सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है या अभी तक के लिए नहीं है, ये आप लोगों की एक्सप्लेनेशन में, आप लोगों के पेपर में ये वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पावर। वर्ड से पता चल रहा है, रिलेटिव का मतलब होता है एक वो चीज जिसका दूसरी चीज से कंपैरिजन हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा, तो वो उसी तरह से थी कि एक साथ एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसके हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव पावर भी इसी तरह से होती है। एब्सोल्यूट का ये मतलब होता है कि आपने ना पावर को गेन किया, ठीक है। अब पावर देखें, पार या पावर, मैं सो वैसे पार पढ़ रही हूँ लेकिन आप लोगों के लिए इसको पावर पढ़ना पड़ा है ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। तो पार ये होती है कि पार आपके पास ना मिलिटरली भी हो सकती है, अगर आपके पास मिलिट्री वेपन ज्यादा है, आर्मी ज्यादा है, तो आप पावरफुल है। पार आपके पास ना इकोनॉमिकली भी हो सकती है, ठीक है, आपके पास फूड के लिए भी हो सकती है, ठीक है। आप जैसे देखिए जिन कंट्रीज में फूड ज्यादा है, वाफर मिकदार में है, वो कंट्रीज पावरफुल है, ठीक है। वो अगर वॉर में भी जाती हैं तो उनको पता है कि उनके पास पीछे सरप्लस में काफी फूड पड़ा हुआ है, ये
के ऊपर पूरा टॉपिक है आप लोगों का, तो वो इंशाल्लाह तब हम अच्छे से मदद से करेंगे। तो एब्सोल्यूट पावर ये होती है कि आपने इतनी पावर हासिल करनी है कि दूसरा दूसरी स्टेट जो है वो आपके ऊपर अटैक ना करे, ठीक है? वो आपको उसको ये ना लगे कि आप कमजोर हैं, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए। रिलेटिव पावर ये होती है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान है, उसके केस में रिलेटिव पावर है। इंडिया कुछ करेगा ना, पाकिस्तान को ये होगा कि मेरे पास हर लिहाज से ना सबसे ज्यादा मेरे पास ही पावर होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम, ठीक है? जीरो सम गेम ये होती है कि एक के पास बहुत ज्यादा पावर होना और दूसरे के पास बहुत कम पावर होना। मैं इसको जीरो जीरो नहीं कह सकती क्योंकि जीरो जीरो वाली चीज कुछ भी नहीं होती। तो एक के पास बहुत ज्यादा होना, दूसरे के पास बहुत कम होना या होना ही ना, इस तरह से करके इसको ले, ठीक है? फिर है वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वर्ड ऑर्डर और यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, ये सारे नाम लिंक करते हैं। यूनिपोलर वर्ड ऑर्डर, बायपोलर वर्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले देखें वर्ड ऑर्डर होता क्या। वर्ड ऑर्डर बेसिकली होती है पावर की अरेंजमेंट, ठीक है? अब ये पूरी दुनिया चल रही है, आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे कि यूएस है और चाइना है। हाँ, रशिया फूड रिच है, रशिया के पास और भी काफी फैक्टर्स हैं जिन वजह से वो अभी तक ये खत्म नहीं कर रहा। जैसे रशिया जो है इसके ऊपर यूरोप जो है वो डिपेंड करता है, था बल्कि अब तो काफी उन्होंने उस चीज को भी किया है कि हाँ बिल्कुल है, बैलेंस ऑफ पावर अलग चीज है, सिक्योरिटी डायलमा अलग चीज है। लेकिन इसको ये कह लें कि सिक्योरिटी डायलमा जब आता है तो उस वजह से समटाइम्स बैलेंस ऑफ पावर भी होती है, लेकिन समटाइम्स वो पावर का बैलेंस डिस्टर्ब भी हो जाता है, ठीक है? अगर तो उसके इक्वल आ जाती है तो वो बैलेंस हो गया, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा ले लेते हो या कम आपके पास आ जाती है पावर, तो वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, एनर्जी उसके पास ज्यादा थी तो यूरोप जो था वो उसके ऊपर डिपेंड करता था, उसको उसने रशिया ने फिर उस चीज का फायदा उठाया था। अच्छा, वर्ल्ड ऑर्डर में बता रही थी अरेंजमेंट ऑफ पावर, आपकी अथॉरिटी कितनी है, लोग आपकी मानते कितनी है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका, अब आप सब सब लोगों को पता होगा कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया था। यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है? पोलर मतलब एक पोल, तो एक पोल में सारी पावर आ गई थी, ठीक है? वो पोल कौन सा था? अमेरिका का। और अमेरिका की, यानी वर्ल्ड ऑर्डर में ये होता है कि जिसका रूल है ना उसी की वैल्यूज चलेंगी। अब अमेरिका का रूल है, अमेरिकन बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चलता आ रहा था जिसको रिसेंट ईयर्स में चैलेंज किया गया। तो उस वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी कुछ वैल्यूज थी, जैसे पीस होना चाहिए। अब अमेरिका किस किन किन चीजों की बात करता है? कैपिटलिज्म, ठीक है? वो कहता है कि कम्युनिज्म तो होना ही नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप भी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें जब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था तब थी। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो आपका था कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर में दो स्टेट्स थी, ठीक है? यानी दो पोल्स थे, एक था यूएस, दूसरा था यूएसएसआर। मेजर ये पावर्स थी, ठीक है? अब हम वो छोटी छोटी पावर्स को नहीं देखते वर्ल्ड ऑर्डर में जो कंट्रीब्यूट कर रही हो किसी ना किसी तरह, ठीक है? अब जैसे मैं कोल्ड वॉर की ही बात करूं तो कुछ और स्टेट्स भी थी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी किसी ना किसी तरह लिंक कर रहे थे या एज एन अलायंस अमेरिका के साथ थे। लेकिन मेजर पावर्स कौन थी आपके पास? यूएस एंड यूएसएसआर। अब जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टी का मतलब होता है मैनी, तो यानी कि काफी ज्यादा इसके अंदर एक्टर्स हैं। जैसे जैसे आपके पास अगर उसको देखें अमेरिका, तो अमेरिका की पावर को कौन कौन चैलेंज कर रहा है बताएं जरा मुझे, अगर आप लोगों को आइडिया है तो। हाँ, नहीं, बैलेंस ऑफ पावर में अलायंसेस बनती हैं, लेकिन और भी इसके तरीके होते हैं बैलेंस ऑफ पावर के। आप डिवाइड एंड रूल भी कर सकते हो, आप किसी ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हो, ट्रीटी साइन करते हो, बड़ी चीजें होती हैं। हाँ, मेनली चाइना और रशिया ही है, नहीं इंडिया नहीं है, जिनेद इंडिया नहीं है। इंडिया ऑल्दो राइजिंग पावर है, लेकिन हाँ ठीक है, उसकी इकोनॉमी भी है, उसकी पॉपुलेशन भी है, लेकिन फिर भी उसके यूएस के साथ जो भी इंटरेस्ट है वो उसके साथ अलाइन करता है, ठीक है? वो हाँ उसका अलाय है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है। अब जुनेद, देखिए वो राइजिंग पावर तो है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो उसको थ्रेट नहीं है कोई भी उससे, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम है। फॉर एग्जांपल, यूएस का इंटरेस्ट है कि चाइना को कंटेन करे वो,
ठीक है, इंडिया का इंटरेस्ट भी यही है, क्योंकि इंडिया और चाइना की बनती नहीं है, उनके कुछ लैंड इश्यूज हैं, कुछ बॉर्डर इश्यूज हैं जिन वजह से उनमें क्लैशेस होते हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्वेश्चन में भी इंडिया और जो चाइना है उनके कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, तो इस वजह से जो इंडिया चाहता है वही यूएस भी चाहता है, तो वो इस वजह से इंडिया और यूएस जो है वो आपस में दुश्मन नहीं बन सकते। इसके अलावा कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं एक और, अगर किसी को पता हो S-400, S-400 जो था ना वो रशिया देता है, ठीक है। अब रशिया जो था ना इसके ऊपर अमेरिका ने सेंक्शंस लगाई हुई थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से S-400 लिया, और असूलन अमेरिका को इंडिया पर सेंक्शंस लगानी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं लगाई, क्योंकि उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, तो पर्सनल इंटरेस्ट जो होते हैं या पर्सनल या स्टेट इंटरेस्ट कह लें वो हमेशा ऊपर होते हैं। ओके, जीरो सम गेम मैंने बता दी। विन विन सिचुएशन ये होती है कि दोनों कंट्रीज का बेनिफिट है, ठीक है, या जिसको हम आम जुबान में कह लें कि म्यूचुअल बेनिफिट, एक स्टेट को भी बेनिफिट हो रहा है दूसरी को भी हो रहा है। और इसको ना मैं सी पैक से मैं बताती हूँ, ठीक है। सी पैक, अगर हम उसकी एग्जाम्पल लें, सी पैक में पाकिस्तान को भी फायदा है, चाइना को भी फायदा है। चाइना को फायदा यह है कि वो इर्द गिर्द की जो भी कंट्रीज है उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ये सारा कुछ। पाकिस्तान को फायदा यह है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, गवादर की डेवलपमेंट हुई है, ऑप्टिक फाइबर पड़ी है सी पैक की वजह से। सी पैक की वजह से आपके पास ये जो नेटवर्क है 5G नेटवर्क वो है, और भी काफी इनके हैं बेनिफिट्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, स्टेटस को एंड वियनिस पार, ये दोनों ना मिलते जुलते हैं। स्टेटस को पार वो होती है जो डोमिनेंट पावर होती है, जिसको ये होता है कि मैं डोमिनेंट हूं, मुझे ऊपर रहना है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है हेजमनी, ठीक है, इसको ना मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर। क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, हेजमनी, हेजमनी ये होता है कि कंट्रोल होना किसी भी कंट्री का, या किसी कंट्री का डोमिनेंट होना, ठीक है। और रिवियनिस पावर वो होती है जिसको ये होता है कि मैं, क्योंकि थोड़ी कम हूँ या मेरे पास कम पावर है, तो मैं स्टेटस को बन जाऊं। अभी मैं रिवियनिस्ट हूँ तो मैं ज्यादा पावर हासिल करके मैं स्टेटस को बन जाऊं, ठीक है। जैसे दो लोग लड़ रहे हो, जैसे कुश्ती में होता है दो लोग लड़ रहे होते हैं, ठीक है, एंड पर, या कोई भी रेस है, कोई भी गेम है, उसमें एक होता है, एक रनर अप होता है और एक विनर होता है। उससे पहले तो उनकी गेम चल रही होती है ना, तो वो दो लोग जो होते हैं ना उसमें से एक ज्यादा पावरफुल होता है, एक कम पावरफुल होता है। दोनों का सेम पर्पज होता है, एक का पर्पज ये होता है कि मैं किसी तरह से, क्योंकि मैं जीतता रहा हूं तो मैं अपने उस स्टेटस को मेंटेन करूं। दूसरे का पर्पज ये होता है कि किसी तरह, क्योंकि मैं इससे कम हूं, अगर मैं इसको हरा दूंगा ना तो मैं टॉपर बन जाऊंगा या मैं विनर बन जाऊंगा, ठीक है। तो उन दोनों की ये रेस लगी होती है। इसको अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एग्जांपल्स में देखें, यूएस एंड चाइना, यूएस आपके पास स्टेटस को पार है, ठीक है, जिसको ये है कि मैं अपनी हेजमनी मेंटेन रखूं, और जो चाइना है वो रिवियंस पार है, जिसको ये है कि ऑल दो न्यूज में वो यही कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम यूएस को पीछे करें और खुद ऊपर आ जाएं, लेकिन अभी जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहे हैं, किस तरह से वो ताइवान का इशू चला था लेकिन फिर भी चाइना इतना बोला नहीं, इनके बीच काफी इश्यूज चले थे लेकिन फिर भी चाइना और यूएस ने क्या किया, बाइडेन और जी जिनपिंग की जो टॉक्स हुई थी, फिर भी अपने उन्होंने अपने जो भी इश्यूज थे उनको रिजोल्व किया, ठीक है। तो इस तरह से, वैसे ये तो दूसरी तरफ टॉपिक चला जाएगा, अभी इधर तक ही रहते हैं। स्टेटस को एंड वीनस पर, चाइना ये चाहता है कि वो ऊपर आए, वो इकोनॉमी को बूस्ट करे, उसकी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा होना चाहिए, और यूएस चाहता है कि उसकी पावर मेंटेन रहे। हाँ ठीक है, ये भी सही है। और चले, ये लास्ट ट्रैक है, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। लास्ट है थ्यूसीडाइड स्ट्रैप, ठीक है। थ्यूसीडाइड स्ट्रैप जो होता है ना वो बिल्कुल ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से ही लिंक करता है। बेसिकली समझ रहे हैं थ्यूसीडाइड्स था कौन। थ्यूसीडाइड्स एक ना जनरल था, 8th सेंचुरी में ना एक वॉर हुई थी, उसको हम कहते हैं पेलोपोनेशियन वॉर, या आप लोगों के सिलेबस में है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को, अभी सिर्फ सुन ले। पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी, ये बेसिकली हुई थी ग्रीस की ना दो स्टेट्स थी, सिटी स्टेट्स, उनका नाम था एथेंस एंड स्पार्टा, ठीक है।
एथंस का ना एक जनरल था, उसका नाम था थ्यूसीडाइड। थ्यूसीडाइड जो था ना, स्पार्टा ने क्या किया था, इनकी सिटी पे कब्जा कर लिया था, तो थ्यूसीडाइड को 20 साल के लिए जिला वतन कर दिया गया था। इससे ना एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। उस किताब में उसने कहा था कि हम लोग इस वजह से हारे हैं क्योंकि हम लोग के अंदर एक फेयर था, खौफ था, पर वो खौफ ये था, वही वाला खौफ जो स्टेटस को पार और रिवियन इस पार को होता है, कि कहीं हम हार ना जाए और अगला बंदा जीत ना जाए, उसके पास कहीं पार तो नहीं ज्यादा, ठीक है। इस खौफ की वजह से हम लोग हार गए, इसको हम कहते हैं थुसिडाइड स्टेप। थुसिडाइड स्टेप को अगर हम करंट में देखें ना, तो करंट में भी इसमें यूएस और चाइना वही वाली एग्जाम्पल आती है, ठीक है। आप लोगों के पास 2 मिनट है, किसी को यहां तक नहीं समझ आई तो पूछ ले, और इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। बच्चों किधर चले गए? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो मुझे मैसेज कर दे कि मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ बिल्कुल जुनैद, ऐसा ही है। ओह शुक्र है, मुझे लगा था सारे सो गए। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, यहां तक पढ़ने का मजा आया? मैंने बिल्कुल कोशिश किया है कि बिल्कुल आसान और सादा जुबान में आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, गुड। अच्छा पार को ना आप मैयर नहीं कर सकते, आपको बस ना ये होता है कि ये एक ना डर होता है या एक फीलिंग होती है। थेरीज में ना हम इस चीज को पढ़ेंगे कि आप कैसे बता सकते हो कि अगला बंदा कितना पावरफुल है। आपको उसकी इकोनॉमी का इतना नहीं पता, आपको नहीं पता मिलिट्री में कितनी है। एक रफ डिजिट्स वगैरह इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, वो उन्होंने पब्लिक किए होते हैं, लेकिन बैक स्टेज पर वो आप लोगों के पास ना काफी चीजें और होती हैं। यस थेरीज हैं पावर के ऊपर भी, मतलब पूरी पावर के ऊपर नहीं है, लेकिन आपकी जो भी थेरीज आपके सिलेबस में है ना, वो पावर के बारे में कुछ ना कुछ कह रही होती हैं। और पावर की जब हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, और बच्चों खुश रहो और दुआएं करते रहना। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज।